नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट का ये केस जिसकी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, गोवा पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, लगातार उनके फ्लैट पर जाकर 5 घंटे की जांच उन्होंने की। गुड़गांव के उस फ्लैट में जहाँ सोनाली फोगाट जिसने जो किराए पे लिया था और वहां वो रहती थी, वहां पर 5 घंटे जांच हुई है। परिवार साथ में शामिल था, उस फ्लैट में भी गए जिसका नंबर 901 है। 901 नंबर के फ्लैट में वो ठहरे हुए थे, जिसमें से कुछ गहने निकले हैं, कुछ पैसे, फोन, डायरी, बहुत सारी ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, सोनाली फोगाट का परिवार साथ रहा पुलिस के छानबीन के बीच। वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोदा फोगाट ने बड़ा दावा किया है कि उनके परिवार को बहुत बड़ा खतरा है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके लिए सिक्योरिटी लगवाई जाए, एक ऐसी सिक्योरिटी लगवाई जाए जो उनकी इस वक्त उन्हें सिक्योर रखे, उनकी सहायता करे। क्योंकि जिस तरह से छानबीन हो रही, जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है, उनकी जान को खतरा है। यशोदरा का ये कहना है कि मेरे पूरे परिवार के ऊपर जान का खतरा है, खतरा मंडरा रहा है, तो वो सिक्योरिटी हमें चाहिए। और साथ ही साथ जो जांच पड़ताल है वो जारी रहनी चाहिए। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई रिंकू और उनके जीजा लगातार पुलिस के साथ सोनाली फोगाट के उन फ्लैट पर जा रहे हैं, सबूतों की खोज कर रहे हैं, सबूत निकलवाने की कोशिश में हैं। कई सबूतों से तो पता भी लग चुका है कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, कितने महीनों से ये चीजें चल रही थी, कितने महीनों से सुधीर सांगवान जो पर्सनल असिस्टेंट है सोनाली फोगाट के, इस साजिश को रचने की कोशिश कर रहे थे और अब गोवा जाकर साजिश जो है इन्होंने उस साजिश को अंजाम दिया। साथ ही आपको बता दें सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल लिया है कि मैं साजिश के नाम पर ही, साजिश के तौर पर ही सोनाली फोगाट को गोवा लेकर गया था, जहां जाकर हमने साजिश को अंजाम दिया। यानी कि सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट की पहले से एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो रचकर चले थे साजिश को कि किस तरह से हम इस षड्यंत्र को अंजाम देंगे और सोनाली फोगाट को धोखे से गोवा ले जाएंगे, गोवा में ठहराएंगे। हालांकि गोवा में कोई शूट था ही नहीं, उनका शूट तो चंडीगढ़ में था और गोवा वो शूट के लिए ले गए और शूट का नाम तो लिया लेकिन वहां जाके कोई शूट नहीं था। उन्हें ड्रग्स दिए गए, कितनी सारी चीजें हुई, नशीले पदार्थ दिए, उसके बाद जहर दिया और सोनाली फोगाट के जो शरीर पे कई निशान मिले हैं उनके शरीर पर, उसे समझ आता है कि क्या हालत सोनाली फोगाट की है उनके पर्सनल असिस्टेंट ने। जिस तरह से परिवार ने शुरू से ही सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए, परिवार को पहले से शक था कि सुधीर सांगवान कुछ तो गलत करेगा और उसने ही को अंजाम दिया। हालांकि सुधीर सांगवान ने परिवार के सामने अपनी इस तरह से इमेज बना ली थी, अपनी छवि इस तरह बना ली कि परिवार ने तुरंत सोनाली फोगाट के निधन के बाद पूरा का पूरा आरोप पर्सनल असिस्टेंट पे लगाया। पर्सनल असिस्टेंट जो सारी चीजों की नॉलेज रखता है, एक इंसान का पी है, सोनाली फोगाट का पी है, जो सोनाली फोगाट की ए टू जेड हर हिस्ट्री जानता था, उनकी प्रॉपर्टी से लेकर कितनी क्या क्या चीजें उनके पास है, क्या उनके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कहाँ उन्होंने काम किया है, अब कहाँ जाना है, कितनी सैलरी वो बांटती है, कितना पैसा उनके पास आता है, राजनीति में कहाँ एंट्री करेंगी, हर चीज उनका पर्सनल असिस्टेंट जानता था, जिसका फायदा आज उसने उठाया। और परिवार का एक और आरोप आया कि सुधीर सांगवान ने पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए सोनाली फोगाट के साथ साजिश को रचा है, क्योंकि उनकी नजर सोनाली फोगाट के उन पैसों पर थी, जिसके बाद अब इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से सुधीर सांगवान के षड्यंत्र को समझ चुकी है। लगातार इन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।